अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मार्केट में भगवा झंडों की जमकर बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको देखते हुए मार्केट में भगवा झंडों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। मार्केट में कई दुकानों पर बिक्री इतनी बढ़ गई है कि लोग ऑर्डर पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि लोग झंडे को अपने घरों की छत पर लगा रहे हैं और कुछ लोग झंडे को अपने वाहन पर भी लगा रहे हैं। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए झंडा बेचने वाले दुकानदार प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए भगवा कलर का भगवान राम का झंडा बहुत तेजी से बिक रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा झंडा बिक रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकलेगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बड़े झंडों की जमकर बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया था, उससे ज़्यादा डिमांड आ गई है, इसलिए झंडा रात भर बन रहा है। जब सुबह माल हम लोगों के पास आ रहा है तो वही हम लोगों को मिल पा रहा है। हम लोग 2000 झंडा मांग रहे हैं तो 200 से 300 झंडे ही मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ा झंडा 250 रुपये और उससे छोटा 75 और 40 रुपये 15 रुपये तक बिक रहा है। हम लोग कम से कम प्रॉफिट लेकर लोगों को झंडा बेच रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए झंडा विक्रेताओं ने कहा, अंकल जी झंडों की समय क्या बिक्री की स्थिति? ठीक है, ठीक है, पहले तुलना अच्छी है। हाँ अच्छा, तो देखा जाए काफ़ी डिमांड बढ़ गया इस समय। हाँ डिमांड तो है, तो कैसे आप लोग पूरा कर रहे हैं? अब जो मिल रहा बेच रहे हैं, बताओ क्या रेट में बिक रहा झंडा? यही 40 रुपया 50 रुपया। बड़ा वाला झंडा भी? हाँ बड़ा बड़े सर, छोटे में 10 रुपया 20 रुपया। सब साइज ले जा रहे हैं, जहाँ जिसको ज़रूरत है वो साइज ले जा रहे हैं। हाँ यहाँ जो छोटे जगह लगाना उदय प्रकाश। मार्केट में झंडों की धूम मची हुई है, लोगों में इतना जोश है कि सभी चाहते हैं कि अपने मकानों पे, दुकानों पे और स्कूटर गाड़ी में झंडों का प्रयोग करें अधिक से अधिक। 22 जनवरी को देखते हुए ये सब हो रहा है। तो कैसे पूरा कर रहे हैं वो डिमांड को? पूरा डिमांड तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। जो 100 मांग रहा है उसको 50 दिया जा रहा है, 50 वाले को 25 दिया जा रहा है, ऐसे करके कहा जा रहा है कि कल फिर मिल जाएगा। ऐसे ही एक हफ्ते से चल रहा है जी। तो क्या लगता है कि अभी 22 तारीख तक कितनी बिक्री हो जाएगी? बहुत अच्छी बिक्री हो जाएगी। अरे इस समय बिक्री बहुत अच्छी चल रही है, जो भी आ रहा है 10 झंडे 20 झंडे 30 झंडे ऐसे मांग रहा है। कुछ लोग तो वितरण करवा रहे हैं, अपने तरफ से बंटवा रहे हैं झंडा लेके कि हमको मोहल्ले में बांटना है, लेकिन हम लोग सबको दिया जा रहा है। क्या नाम होगा? प्रमोद कुमार गुप्ता। झंडों को लेकर क्या स्थिति है? झंडा काफ़ी बिक रहा है हमारा, बड़े में छोटे में बाइक का भी सभी झंडे। कौन सा झंडा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा झंडा बाइक का बिक रहा है, उसके बाद में फिर और मीडियम साइज के, बड़े वाले काफ़ी बिक रहे हैं। बस हम लोग जाते हैं, जितना डिमांड रहता है उतना नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ मिलता है, लेकिन कई दुकानों से हमको मिल जा रहा है पूरा। क्या नाम है? अंजना गुप्ता।